गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज नो मोबाइल, नो चैटिंग, नो कॉलिंग द नेम ऑफ एनीबॉडी, ओनली आंसर। इसलिए एक तरह से रिकॉर्डेड का मजा लीजिए। कोई आंसर देने का ना टाइम देंगे, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन ही 2018 में था। इसके बाद एक दिन देख लेना 2021 और अंतिम 2020, अंदाज पूरा होगा, जज्बा होगा और उसके लॉन्ग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह होते हुए, मोबाइल टेस्ट होते हुए परीक्षा के लिए हम लोग विदा करेंगे। आइए हम लोग ले चलते हैं, ये रखते हैं मोबाइल, ये साइंस एंड कॉमर्स। आठ वाला कहेगा सर मेरे लिए नहीं, आठ वाला का भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो अपने टेस्ट पेपर हुई है या फिर जो मॉडल क्वेश्चन दिए, सब में अपना मिक्सअप रहता है। ये भी करा दिए हैं, क्वेश्चन दोनों का सिलेबस एक ही है, टाइप एक ही है, बस देख लेना है। आइए हम लोग चलता है। सेक्शन ए, पहले 50 ही क्वेश्चन था, 50 में 50 देना पड़ता था, फिर 60 में 50 और फिर 100 में 50। सोचिए कितना आसान कर दिया। पहले क्वेश्चन है, Why do you tell a lie? जब भी पेशी बनाना पड़े तो जब जब do does हो, इज आर एम खोज लेना। Why में रहेगा, why है। अब do के बदले इज तो इसमें है नहीं, गया। अब यहाँ इज है, यहाँ इज है, अब यहाँ इज है। अब इज के बाद ए लाई होना चाहिए, ए लाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब टेल का टोल्ड होना चाहिए, बी टोल्ड नहीं, गया। टोल्ड यहाँ है, यहाँ बीइंग दे दिया, आई भी गया। आंसर यही हुआ, देखा नहीं है पहली बार, देखते रहो। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, ये क्वेश्चन किए हुए हो, देखो। इसलिए कहा मैं बहुत भारी नहीं है, अब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये लाएंगे हम मिस्टर सिंह को उधर से इधर, मिस्टर सिंह। अब इज आर एम प्लस वी थ्री जो होता है वह वी वन वी फाइव में टूटता है, तो मिस्टर सिंह है सिंगुलर, तो टीच का टीचेज हो जाएगा, टीचेज है ना, अस ग्रामर वी का अस ग्रामर। अभी आंसर कहाँ मिलता हम देखते हैं, मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर। आइए ऑप्शन को खोजिए, मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर, यही आंसर आपका होगा। चूंकि इज आर एम प्लस वी थ्री जो होता है वो वी फोर में नहीं टूटता है, वी टू में नहीं, विल में नहीं, यही है सही। देखा ना, देखते रहना है, बस बनेगा। आइए हम लोग चलता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरी क्वेश्चन हम देखता है ग्रामर को। अब यहाँ आई है भाई, जब भी सिंस या फोर प्लस टाइम हो, सिंस या फोर प्लस टाइम, उसमें हैज बीन, हैव बीन प्लस वी फोर होगा पहला ऑप्शन, नहीं रहता तो हैज हैव के साथ वी थ्री होता, लेकिन हैव बीन तो है आई के साथ, हैव बीन वेटिंग, एम वेटिंग नहीं, हैड हैड बीन नहीं, ये हैव बीन नहीं रहता तो हैड बीन की ऑप्शन होती। आइए, यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फोर आवर्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना, लगातार चला है फोर आवर्स, घंटों तक। अब घंटों तक चलेगा अवश्य थकान महसूस करेगा, इसलिए अवश्य के सेंस में मस्ट का प्रयोग, इनमें से ज्यादा कैन नहीं, आउट नहीं, वुड नहीं, मस्ट। ये सेम क्वेश्चन आप लोग बनाया था टेस्ट वाले पेपर में अपने, यहाँ अपना वाला मॉडल में होगा भी सेम। इसलिए कहा ना, ईयर प्रीवियस तो हम लोग में मिक्सअप रहता है, इसलिए देखते रहिए। ही रेन आउट, पहले इस भाग को मिलाएं, रेन आउट यहाँ नहीं है, आउट नहीं, टू है, रेन आउट यहाँ, रन आउट कर दिया, ये भी गया, हेड रन आउट गया, यहाँ रेन आउट मिल रहा है, ऑफ द रूम है, ऑफ द रूम है। अब दूसरा में सब्जेक्ट कॉमन है, इसलिए कॉमन सब्जेक्ट नहीं दिया और भी फोर को डायरेक्ट रख दिया। इसका मतलब है वह स्क्रीमिंग करते हुए, दांत खिटखिटाते हुए और दौड़ पड़ी रूम से बाहर। चलो आंसर, क्वेश्चन नंबर सिक्स।
आज जब जब भैया माइंड रहे आपको जरन में हम पढ़ाए हैं यू माइंड वुड का प्रयोग ज्यादा होगा मॉडल ऑली में भी, इसलिए ध्यान रखना है वुड यू माइंड रहेगा तो भी फो यू माइंड रहेगा तो वुड उल्टा सेटिंग, इसलिए कुड उड कुछ नहीं, शुड उड कुछ नहीं, वुड। इसके साथ देखते हो भी फो है आई, इसमें दो आंसर हो सकते थे आई के साथ एम ऑलवेज भी आई हैव ऑलवेज बीन भी हैड तो है ना, ये भी होता ये भी होता, अब हैड ऑलवेज बीन भी हो सकता था, लेकिन इसमें बोल चाल में अक्सर कहते हैं सिंपल प्रेजेंट आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, मैं हमेशा इंटरेस्टेड रहा हूँ, और लगातार सेंस में पहले से लेकर हमेशा तक तो बीन का प्रयोग ज़्यादा होता है, अतः दो आंसर में ज़्यादा इसको मारना ये भी आपका सही गलत नहीं है, परंतु ये नहीं रहता तब। तो चलिए नेक्स्ट सेवंथ, यहाँ पर आपका नरेशन है, नरेशन में हम सामान्य वाक्य में देखते हैं ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैड, आई जाएगा सब्जेक्ट में तो ही हो जाएगा, और जब पास्ट है तो हैड हो जाएगा, और उसके बाद गॉट है टूथपेस्ट, अब इसको मिलाते हैं सेज तो होगा नहीं, सेड है लेकिन डैट नहीं है, ये भी गया, सेड डैट ही हैड गॉट ए टूथपेस्ट, आंसर यहाँ मिल गया, यहाँ ही गॉट हैड नहीं है इसलिए भी गया, तो जब भी हैज हैव हो तो हैड में इसको देख के बनाना है, बना के देखना है, मारना है। आगे देखो क्वेश्चन नाइन, सी थैंक्ड मी, अब मी है सी है तो सी सेड टू हिम, यहाँ तो मी है ही नहीं, ये तो गया, सी सेज यहाँ पास्ट है तो प्रेजेंट गया, अब देखना भैया क्या होगा, सी थैंक्ड मी है, सी सेज टू मी थैंक यू, अब मी है यहाँ से आ गया, सी के साथ से कैसे सेड रहना चाहिए, सी सेड टू मी थैंक यू, यू जाएगा मी में तो मी ही बनेगा, इसलिए यही आंसर सही है। देखा अब यहाँ पर डिड है, डू डज डिड रहे नोट के साथ या नोट के बिना भी वन होगा, तो भी वन चूजिंग तो है नहीं, भी थ्री है नहीं, चूज भी टू है नहीं, ये चूज भी वन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तो एडजेक्टिव और नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव क्वालिफाई हो जाता है, तो जैसे मैंने एक नाचती हुई लड़की को देखा आई सॉ ए डांसिंग गर्ल, भागता हुआ कुत्ता रनिंग डॉग, जलती हुई ट्रेन बर्निंग ट्रेन, तो है ना वी फोर प्लस नाउन वह क्वालिफाई किया, चूंकि वी फोर तीन तरह से होता है, एक जरंड, एक पार्टिसिपल एज ए भाव, अब पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देखो ड्राइविंग कार से सुटेबल ज़्यादा है, कार ड्राइविंग नहीं। या सी इंडियन मैथोलॉजी पर वह लिखी, अब सी के साथ हम भाव को करेंगे, पहले सामान्य सी क्वेश्चन है, हैव तो होगा नहीं, विल के साथ वी थ्री होता नहीं है, बी प्लस वी थ्री बिना मॉडल के कैसे, इसलिए सी के साथ तो हैज प्लस वी थ्री होएगा, आराम का मामला है, देखते हो ना झटपट घूंघट खोल जल्दी बनाओ। आगे 13, दिस मटेरियल, ये प्रीपोजिशन है, क्लास में ही बनवाए हैं, अपने प्रीपोजिशन के बुक में भी है और एटमों में भी, डिफरेंट के साथ फ्रॉम, तो डिफरेंट फ्रॉम ये तरटा होगा तभी बनेगा डिफरेंट फ्रॉम। क्लाइम, क्लाइम के साथ दो स्थिति होती है, वैसे सीढ़ी उड़ी पर पांव रख के रुक जाते हैं, इसे करके तो क्लाइम एट भी होता है, लेकिन ऊपर चढ़ने के सेंस में प्रायः ऑन होता है, क्लाइम ऑन द ट्री क्लाइम ऑन द लैडर, तो आप देखते हो पैर केवल रखा हुआ कि नहीं स्थिति नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कौन कौन सा प्रीपोजिशन है, तो क्लाइम ऑन ज़्यादा यूज होता है, यूज में चूंकि ऊपर की ओर चढ़ता है उसे क्लाइम एट, जब सीढ़ी पर एक पांव रख करके रुक गया ऐसी स्थिति में चढ़ता है तो एट भी होता है, लेकिन वहाँ पर ऑन की स्थिति को ज़्यादा दर्शा रहा।
ही हैज बीन एसेंट मंडे, यहाँ पर हैज बीन हैव बीन है ना, टेंस की बनावट को भी देखना है। ऑन मंडे मैंने सोमवार को, बाय मंडे मैंने सोमवार तक, लेकिन जब भी हैज हैव बीन या हैज हैव के साथ भीतरी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है, क्योंकि मंडे निश्चित समय है। एसल सिंस का प्रयोग होगा फ्रॉम राम का नहीं, बाय का नहीं। सीड कैन प्ले टेनिस एज गुड, आप जानते हो एक फ्रेज है एज वेल एज, वैसे जैसे कि, एज गुड से अच्छा एज वेल एज फ्रेज है, अतः फ्रेज पर हम डिपेंड करते हैं। द सीड विल प्ले विल सीड कैन विल मैंने फ्यूचर में खेलेगा, खेलेगा वैसा जैसा कि नहीं, ये तो संभावना क्षमता होती है। तो सीड कैन प्ले एज वेल एज इज ब्रो, ये ज़्यादा सुटेबल है, खेलेगा भविष्य में, इसकी गारंटी क्या है। हैड प्ले तब तो सब सही लगेगा, और एज गुड एज नहीं, एज वेल एज। एज गुड एज तब होता है समान गुण अवगुण को बताते हैं, जैसे सी इज एज टॉल एज रीना, लेकिन यहाँ पर है प्ले सेंस क्रिया का एज वेल एज, मतलब वैसा ही अच्छा से, वैसा ही जैसा कि, ठीक ना। आ गया, आइए बताए हुए थे 19 में ही पूछा है, 19 का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। हैव ए होमवर्क अनकंटेबल नाउन है ना, इसलिए आई हैव होमवर्क टू डू, विल सेल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ बी फोर में सहायक क्रिया लगाया ही नहीं है, इसलिए झटपट, यही तो मोबाइल वाला छुआ था, अभी तक 5 क्वेश्चन में रह पाता, ठीक ना। 50 क्वेश्चन है, जल्दी से ले लो। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट को चुनना है। हाँ तो देखोगे श्योरली का प्रयोग जब भी होता है सहायक क्रिया के बाद और नाउन के पहले, श्योरली है ना, तो डैट मे बी श्योर इन, डैट वॉज श्योरली मिस्टेक, मान लो यहाँ पर मिस्टेक है और मिस्टेक में ए यहाँ छूट गया हो तो ए डाल देना है ना, या ब्लू से हम देता है ठीक ना, लेकिन यही आंसर सही है, श्योरली ए मिस्टेक, ठीक है, श्योर ए मिस्टेक नहीं। एडवर्ब क्वालिफाई करता है तो एल वाई का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आगे ही, अब देखना ही के साथ अगला पोर्शन लेना है, हैड प्लस वी थ्री पास्ट में है, एक भाग पास्ट दूसरा भी पास्ट होगा तो ही के साथ आस्ट, विल आस्ट तो फ्यूचर में होगा नहीं, आस प्रेजेंट में होगा नहीं। आगे नंबर दो, हेड के साथ आस्क भी वन होता नहीं, इसल सबसे सुटेबल यही है। नेक्स्ट, ऑल डिपेंड्स ऑन, सारा डिपेंड है। जरंड में हमने एक प्रयोग बताया था, जब भी फोर का प्रयोग होता है तो हमने बताया था कि भी फोर का प्रयोग जो होता है किसी पॉजिटिव के बाद, माय हीज हर योर आवर के बाद, जैसा लाइक योर स्माइलिंग, हीज पासिंग, हर कमिंग, हर गोइंग, देयर लाफिंग, ये सब कोई पोसेशन के साथ, हैड के साथ वैसे ही भी फॉर होता नहीं, हैज के साथ भी फॉर होता नहीं, विल के साथ भी फॉर होगा नहीं, ये भी कारण है, और हीज के साथ भी फॉर एक्यूरेट है, तो किसी पोसेसिव के साथ भी फॉर। यू, अब यहाँ पर देखना मेरे लालू, क्यों नहीं होते हो चालू, नोट गो टू अटेंड द मीटिंग, आपको मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं, नीड नोट और डेयर नोट दो, जो ऐसा है सहायक क्रिया जो सबके साथ होता है और आगे भी वन लेता है, तो नोट लगा हुआ है ये ज़्यादा नीड नोट, कैन नोट का सेकेंडरी यूज है, अतः इसमें नीड नोट का ज़्यादा प्रयोग होगा, मे और उड का भी नहीं। ये डबल फ्यूचर वाला तो पढ़े हुए हो, जब जब इफ व्हेन या अनलेस रहे और आगे सेल विल रहे, डबल फ्यूचर का वाक है, एक बार सेल विल लगी हुई थी, एक बार भी वन भी फाइव होगा, ये सब क्वेश्चन कितने बार बना चुके हो। या नेक्स्ट 23, ओडियो माइंड, ये भी हमने जनन में भी पढ़ाया था, जब जब ओडियो माइंड रहे तो भी फो को चुनोगे, किसको चुनोगे, भी फो, और आगे यू माइंड प्लस वी फोर रहे तो पीछे सहायक क्रिया चुनना हो तो मॉडल अली में उड, बस उल्टा, यहाँ ध्यान देना है, उड यू माइंड प्लस वी फोर, यू माइंड रहता तो उड। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर बहुत सारे टीचर लोग भी धरफड़ी में कुछ कर देते हैं, आपने यह देखा होगा
कि जब जब एपिटाफ को पढ़ते हैं उसके पहला लाइन में क्या है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और तब दो लाइन के बाद आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, दोनों में फर्क है मेरे बंधु, और सारे सुपरलेटिव टॉलेस्ट बेस्ट फैटेस्ट इन सब में दो लगता है, परंतु मोस्ट बड़ा डेंजरस है, आगे सिर्फ नाउन पर मैं क्लियर किया था यहाँ ए होना चाहिए, लेकिन ब्रैकेट में कर दिए यदि स्थान दे दे हियर ऑफ ऑल इन इंडिया इन बिहार एट समस्तीपुर, तब जाकर द होता है, लेकिन स्थान नहीं है तो ए होना चाहिए, इसलिए द अभी हम ब्रैकेट में हियर कर दिए हैं, इसलिए द को चुनेंगे, ठीक ना, ये डबल रोल में बता दिया, केवल इसमें नहीं था मोस्ट था, अब मोस्ट के साथ नाउन था सिंगुलर, सिंगुलर नाउन पर मैं स्टॉप कर दे तो मोस्ट वाला डेंजरस होता तब ए है ना, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत ही सुंदर नारी, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर, दोनों में अंतर है, तो माई सिस्टर से ही और ब्रदर से कोई मतलब सब्जेक्ट से नहीं होता, मेन है टाइम, टाइम देखो मेरे बच्चे लास्ट वीक है, जब जब लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर हो स्टार्ट डे हो बीता हुआ समय तो भी टू होगा, भी टू का मतलब डी, कमलेश हैज बीन, और जब भी हैज बीन हैव बीन का प्रयोग है ईज आरम का प्रयोग है तो भी फो होगा, ये सब तो टाइम एंड टेंस से मतलब है, मिला लो जंग हो मतंग देव दना दन सी फेल, अब फेल में दो बातें होती है, जब कोई चीज किसी से सेपरेट होता अलग होता है तो वहाँ पर दो बातें होती है, ऊपर से गिरता है तो या तो फ्रॉम या ऑफ, ऑफ भी दिया और फ्रॉम भी, यहाँ दो दो आंसर्स हैं, दोनों आंसर में सेपरेशन को दिखाने के लिए ओ डबल एफ ऑफ ज़्यादा होता है और नहीं तो अंतिम में सेपरेशन को दिखाने के लिए होता है, दो दो आंसर है, आप ऑफ को लेकर चलो, यू कैन डू इट, अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए हुए थे सब्जेक्ट के अनुसार, यू के अनुसार हर सेल्फ नहीं, देम सेल्फ नहीं, हिम सेल्फ नहीं, यू के अनुसार योर सेल्फ, यू नहीं रहता आई रहता तो माई सेल्फ, सी रहता तो हर सेल्फ, ही रहता तो हिम सेल्फ, दे रहता तो देम सेल्फ, ये अंदाज करो, आगे फैमिलीज, एफ ए एम आई एल आई एस फैमिलीज का सही स्पेलिंग, 30, व्हाट टाइम डज द बस, है ना, अब यहाँ पर दिया लीव टू, तो बस प्रस्थान करती है कहीं की ओर, लीव फोर के लिए प्रस्थान करना की ओर जाना, तो के लिए प्रस्थान करना, लीव फोर सेंट्रल लंदन, यहाँ लीव फोर होगा लीव टू नहीं, लीव एट होता है टाइम के साथ, लीव इन होता है महीना महीना के साथ, लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, आई एम लिविंग फॉर दार्जिलिंग, मैं दार्जिलिंग के लिए रवाना हो रहा हूँ, आइए बुक के 20 क्वेश्चन है वो फटाफट बन जाएगा, देयर इज अ हाउस, हाल ही में हम पोएम बनाए हैं, अब पोएम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे मैराथन में जो सेम सेम आ रहा है, देयर इज अ हाउस वेयर आई रिसीव्ड लव, कौन लेसन से है, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी का घर उससे लिया गया है, हाल ही में बनाया हो इसलिए मैं महा मैराथन करवाया, सोल्जर कैसी कविता है, अब कैसी कविता में लव पोएम नहीं है, हैप्पी नहीं है, नेचर नहीं है, वार पोएम है, अभी हाल ही में बनाया हो, महा मैराथन 3 क्लास हुआ है, उन तीनों को खूब मजिए, और लगभग क्वेश्चन अपने यहाँ चाहे एटम बम का मामला हो या फिर जिसका भी मामला हो अपने यहाँ किए हुए हैं, कमला दास कैसन कवि थी, कमला दास इंडियन पोइटेस थी, अमेरिकन अफ्रीकन नहीं, नाइजेरियन नहीं, ये दो भाषा में लिखती थी, इंग्लिश और मलयालम में, साउथ इंडिया में पैदा हुई थी, केरला त्रिशूर में, आगे फायर हिम किनके द्वारा रचना की गई, सब कविता हाल में बनाया हो, सब क्वेश्चन पोएम वाले मैराथन में, इसलिए इस समय धोखा नहीं होना चाहिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये किनके द्वारा बोली गई, रिटन बाय किनके द्वारा लिखी गई, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा, यही क्वेश्चन पूछ दे कौन सी कविता से ली गई, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जॉन किट्स नहीं, डब्ल्यू बेट्स नहीं, डब्ल्यू एच ऑर्डन नहीं, वाल्ट, आप पूछता किस कविता से इज फ्रॉम, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक से देखना, महा मैराथन में भी
हमने कल भी बताया था स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और ड्रामा एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, स्कैंडिनेवियन अमेरिकन नहीं, ग्रीक। स्नेक, सांप कवि को किस रूप में देखा था? पोएम वाला मैराथन में था, हैप्पली नहीं, सैडली नहीं, कंफ्यूजली नहीं, भैगवली और अस्पष्ट रूप से, भैगवली नॉट क्लियरली, यानी इसका मतलब क्लियरली नहीं, नॉट, जल्दी बनवा दिया टाइम बचत के लिए, डेटा आटा दोनों बचेगा आप लोग का। चलिए, फार हिम में द स्पीकर जो वक्ता है, कवि जो है, किस धर्म से बिलोंग करते हैं? आपको मालूम है ये सब भी बनाए हो रिलीजन धर्म से, क्या इंडियन नहीं, जोरेस्ट्रियन, जोरेस्ट्रियन का मतलब ही होता है पारसी, PARSI, पारसी, जोरेस्ट्रियन इंडियन नहीं, अफ्रीकन नहीं, नाइजेरियन नहीं। मैक्विटी कौन सी से भरा? हाल में ही आपने महामैराथन 2 बनाया था पोएम, इस सब क्वेश्चन गया हुआ है। फुल अप रहे तो डिसीट या डिसीटफुलनेस, छल प्रपंच से भरा हुआ है। आगे 40, द स्कॉलर जिप्सी अभी हाल में हुआ है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का महामैराथन, मैथ्यू आर्लॉन्ड से हुआ, रॉबर्ट से नहीं, डब्लू से नहीं, जेम से नहीं। सेवे, 12 साल का कहाँ का लड़का था? जापानी। प्रोज वाला महामैराथन में देखना, ये सब क्वेश्चन तो कई एक बार हुआ, अब क्या है, अब की बार 90 पार 95 पार दिखा दो जज्बा। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज लोग है ना, कैसे रोल में विश्वास करते थे? तो होम रोल में, ये सब तो देख के हम मार दोगे पटापट, चूंकि एक बार दो बार नहीं, कई एक बार हुआ। अब महामैराथन में डुबकी लगाओ, अपने एटम बम में लगाओ, खूब बहुत क्वेश्चन नहीं सेंस पर मिलेगा, इन्हें कितना मिलेगा, कितना सब ठगेगा, देखो ठगने वाला काम नहीं। मार्टिन लूथर डिसलेक्स कौन सी करते हैं? कास्ट को, सेक्स को, धर्म को, रेशियल यानी नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव, ये सब कास्ट नहीं, ये गोरा काला, देखते हो ना। बस 50 क्वेश्चन है। लोमोव कैसा मैन था, टेम्परामेंट का, ये सब क्वेश्चन बनाया हो हाल ही में महामैराथन में, निगेटिव हैप्पी नहीं, नर्वस टेम्परामेंट का था, नर्वस, तो नर्वस हुआ ये। बर्ट्रांड रसल एक फिलोसफर थे, और क्या क्या थे, बहुत सी थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, ये सोशल रिफॉर्म के एडवोकेट थे, कमेंटेटर थे, कमेंट्री कौन सी पर करते थे, सेक्स पर में, रिलीजन पर में, मैरिज पर में, साइकोलॉजी पर, सोशल, बहुत सारे सब्जेक्ट पर। तो दो दो आंसर है, ये सब पहली आंसर को हिस्टोरियन को मार लेना, मैथमेटिशियन भी हैं लेकिन हिस्टोरियन पहला, वैसे ब्रिटिश फिलोसफर भी थे। ये भी हाल में बनाया हुआ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के महामैराथन में, इन दोनों में सस्पिशन होता है, रिचार्डसन को मारना, फील्डिंग गूगल पर दे देता है, लेकिन किताब के अनुसार रिचार्डसन ही सही मारना। आगे आओ, क्वेश्चन बैंक में फील्डिंग दे देता है। और रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, ये भी हाल में बनाया हुआ महामैराथन 1 में, प्रो सेक्शन में, फैरो, फैरो ये इधर से उधर काट कर दे देगा, फैरो यहाँ रहेगा तो इजिप्ट भरोगे, इजिप्ट रहेगा तो फैरो भरोगे, फैरो था राजा प्राचीन मिस्र का, इजिप्ट का। परलेसबक कहाँ की राइटर थी? इंडियन नहीं थी, अफ्रीकन नहीं थी, अमेरिकन थी, है ना, बात करते हो। अब यहाँ पर बोर्ड की गलती थी, अपने लोग के यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो जाती तो कहते मिस्टेक हो गया, टाइपिंग कहीं भी हो सकती है, देखिए बोर्ड में, इस बार आपको दिखाए थे ना, ओ जो बोर्ड जो दिया है उसमें दो जगह, कौन सा मॉडल, अभी देखिए उस साल क्वेश्चन दिया था आई वेव, जबकि यहाँ पर होगा आई हैव अ ड्रीम, तो माइनर मिस्टेक है, टाइपिंग में एस के जगह डब्लू हो गया था बोर्ड से, लेकिन उसको आई हैव ए ड्रीम चैप्टर है, आई वेव ए ड्रीम नहीं। स्पीच किसके द्वारा है? जर्मन सीगा नहीं, बस एक क्वेश्चन दूर हो और, एचिबेट्स नहीं, लेकिन मार्टिन लूथर जूनियर, हाँ 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 ये हुआ ना,
कितनी स्पीड में क्वेश्चन बनाया हो, 50 क्वेश्चन झकास तरीके से, दो बार लाइन जबकि कटी। अन्नानू काका नैरेटर के कौन थे? तो मेटलाल अंकर थे, कजन नहीं, फादर नहीं, मदर नहीं। ये सब क्वेश्चन देखा हुआ है और इनको प्रीवियस समझ के एक बार जरूर देख लेना है ताकि रिमाइंडर पर रिमाइंडर होता चले। फिर मिलेंगे हम लोग सोमवार, और सोमवार को हम फिर विशेष ही लेते आएंगे, और मंगल बुध तक हम लोग रूटीन दे देंगे कब कब मोबाइल पर टेस्ट होगा और क्या क्या होगा। आपका सपना होगा पूरा। थोड़ा घर पर लगे रहिए, शॉर्ट वगैरह को देखते रहिए। एटम बम केवल चीज़ नहीं है, एटम बम से पहले आप विषय वस्तु को पढ़े होते हैं तो बेहतर होता है। पढ़ते नहीं है सीधे गैस, गैस से लोग सफल हो सकता है, टॉप मोस्ट नहीं हो सकते, टॉपर नहीं हो सकते। चलिए देखिए, बाय बाय, सी यू। आज मेरा मन कर रहा है कि हम आपको बेस्ट ऑफ लक लिखें, जिन्हें मेरा मन कर रहा है। ओके बाय। संजीव जी थोड़ा मिला लीजिए।